जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। जब मैं आप सब लोगों को सेट पे देखता हूँ, मेरे को पता चलता है कि अरे कुछ हुआ, आज क्या हुआ, तो बोलते हैं 150 एपिसोड पूरा हुआ, तो पता चल गया था सभी। कैसी रही अब तक की जर्नी? मतलब मजेदार रही? पता चल गया कि हाँ, अरे या तो रहे, अरे 150 ही खत्म हो या फिर ऐसा 150 हो गया, कैसा रिएक्शन था रहा? फर्स्ट वाला कौन सा वाला करके दिखाओ करके दिखाओ। नहीं पता चला, निकल गया जल्दी से। 150 एपिसोड्स कंप्लीट हुए ऐसे रियलाइज नहीं हुआ। ये तो सेट पे केक कटा है, इसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं 150 एपिसोड में? नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं 1500 होने के, तो एक जीरो ही लगाना है, और जब 1500 होंगे तो फिर कुछ करेंगे। स्विट्जरलैंड जाएंगे हम पार्टी करने, ऐसा सोच रहे हैं। बच्चा पार्टी नहीं है, कहेंगे सबसे ज़्यादा एंथुसियास्टिक उनको हम देखे थे सारे। हाँ, मैं वही कह रहा था, केक काटते वक्त अगर बच्चा पार्टी नहीं, वहाँ करण, डिम्पी, निवेदिता, या पूरी कास्ट होती तो शोर भी ज़्यादा होता, और यू नो कास्ट पूरी होती है, पूरी फैमिली साथ में होती तो मज़ा भी ज़्यादा आता। आगे और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे हमें? ये आपको डॉक्टर अमन बताएंगे। डॉक्टर अमन, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे देखने को मिलेंगे। राइटर को बुला, नहीं आप बताइए ना। मुझे तो कुछ फाइनली पता ही आई नहीं। कैन लाफ इन दिस सिचुएशन, मैं सीन में हंस नहीं पाती हूँ इन दोनों का। ये जो आपका अभी मैं पूछूं आप लोगों के बिहाफ पर सवाल इनसे, ये जो पहले आप जो कैरेक्टर आपका था तो वो हकलाता था, भूल जाता था सब कुछ, अभी अचानक आपका ये एकदम गंभीर इंटेंस परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस हमें बच्चन साहब की याद भी दिलाती है, तो ये एकदम से बदलाव कैसे आया बताइए हमें। क्योंकि नाउ इनफ इज इनफ, अभी मैंने बोल दिया कि बहुत हो गया, अभी मैं यू नो। अच्छा, मतलब आपने बागडोर अपने हाथों में ले लिया। यस, रेंस इन माय हैंड्स। कौन सा? रागिनी, आपने क्या फाइनली डिसाइड किया कि इसको जाने, 150 एपिसोड में हम देख रहे हैं कभी इस तरफ झुकाव होता है, कभी उस तरफ झुकाव होता है, अब फाइनली आगे के एपिसोड में क्या लगता है कहाँ जाएंगे? क्योंकि अभी भी हमने सीन जिस तरह से अभी शूट किया कि फिर से झगड़ा ही है, कोई वो पासपोर्ट मांगने आते हैं आरव का, किस तरह अब आगे के एपिसोड में झुकाव होगा? अब तो बच्चों के ऊपर फोकस है सारा, निशी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आरव जैसे आपने देखा शायद अपने पापा के पास के साथ US चला जाएगा, तो पूरी पूरी स्टोरी का फोकस बच्चों पर है, तो उसी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं इस इनके इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ, पूरा फोकस बच्चों पे नहीं है। बात आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू हाँ से इज़ कि फोकस हम दोनों पर ही है, और डॉक्टर अमन पे, इस ट्रायंगल पे, लेकिन बच्चे जो हैं वो अब कारण बनेंगे आगे की कहानी का। तो अब तक की कहानी तो ये है कि अमेरिका जाने का प्लान है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर नील अमेरिका चला गया तो फिर तो कहानी खत्म। तो हाँ, तो अब चिंता ना करें, बालाजी के पास माता जी की कृपा से बहुत है, लेकिन कहानी ऐसी ही रहेगी, पति पत्नी का जो तर्क वितर्क है, जो विवाद चल रहा है हम दोनों में, और डॉक्टर अमन जो एक भले मानुस जो फंसे हुए हैं बीच में, वही चलेगा। लेकिन अब जो बच्चे प्ले में आएंगे, जैसे आरव को इनके साथ नहीं रहना, तो इनके साथ जो बेटा पला बड़ा है इनके साथ वो नहीं रहना चाहता, जो इनके साथ बेटा पला बड़ा नहीं है, जो मेरे साथ पला बड़ा है, वो इनके साथ रहना चाहता है। तो इसके हाँ इसके चलते नहीं, बच्चे चेंज नहीं होंगे, नहीं एक्सचेंज नहीं होंगे, ना चेंज होंगे ना एक्सचेंज होंगे, लेकिन अब मैं पॉसिबिलिटीज़ आपको, मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा आपको, संभावनाएं क्या क्या है, तो संभव है कि बच्चों की वजह से हम लोग और मिलें और उन मुलाकातों से कुछ और निकले, हो सकता है हम बच्चों की वजह से एक साथ रहें पर फिर भी साथ ना रहें, हो सकता है बच्चों की वजह से हम साथ ना रहें फिर भी साथ रहें, तो ये सारी संभावना है जो एपिसोड दर एपिसोड हम टटोलेंगे। माँ कितनी कोशिश करेंगी कि भैया बेटी रागिनी या तो नील के पास चली जाए या तो अमन के पास चली जाए, क्लियर करो। माँ क्या कोशिश करेगी, माँ तो बस यही चाहती है, हर एक की माँ यही चाहती है हमारे बच्चे खुश रहे। अभी आप क्या चाहती हैं? चलिए अभी दोनों बैठे हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? अब जो इनका आंसर तो मुझे पता है। मुझे पता
जिसमें मेरी बेटी की खुशी हो, बस यही। मैं बिल्कुल निरूपा जी वाला लाइन बोलिया। बेटी बताए, इनकी लॉयल्टी तो इनके साथ है हमेशा। सीन में भी बोलती है, लेकिन मैं क्यों अमन के साथ एनकरेज कर रही हूँ, मैं तो नील को पसंद करती थी। तो मैंने बोलती हूँ माँ अब मूव ऑन। हाँ, इसमें सिखाया। लास्टली व्यूअर्स को थैंक यू इस एपिसोड तक। हाँ, आप पहले, जो हमारी लीडिंग लेडी है वो बोलेंगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारा शो 150 एपिसोड्स तक देखा। आशा करते हैं आगे भी इसी तरह आप देखते रहे और इसे एंजॉय करते रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच। हाँ, आजकल कुछ पता नहीं। दर्शन जी, आप पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो हम और 1000-1500 एपिसोड करेंगे और आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने फिर नाराज़ कर दिया आपको। ये दर्शन जी जो बहुत ही हम दोनों के बीच में नोक झोंक चलती रहती है, एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, और पर फिर भी हम दोनों के बीच एक नोक झोंक चलती रहती है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, आप सबको आभार व्यक्त करते हैं हमारी पूरी टीम की ओर से। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी सराहना और आपके प्यार के बिना हम कहीं के नहीं रहते, हम कहीं नहीं रहते। तो आज जो जहाँ भी हम हैं 150 एपिसोड पर हैं, वो आपकी बदौलत है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद, और जब तक आप चाहें।